पाठ छः, आसमान में महल। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बीरबल की चतुराई और बुद्धिमता का वर्णन किया गया है। इस पाठ को पढ़कर जानिए कि अपनी चतुराई से बीरबल ने कौन सा कारनामा कर दिखाया है। बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उसमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार तो कोई कवि था। उनमें बीरबल भी एक दरबारी था। उसकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे, बीरबल वहां नहीं थे। अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह तो असंभव है। अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए। सभी लोग चुप थे। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बीरबल ही आसमान में महल बनवा सकते हैं। इसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या बन सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या तुम ऐसा महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। हुजूर, यह काम बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। बीरबल ने कहा, तुम धन और समय की चिंता मत करो, जितना धन चाहिए खजाने से ले लो, बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा। अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है, बनाने वाले कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु सामान का प्रबंध आपको करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वह रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। वह बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसे चल रही है? बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तैयार हैं, कल आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए और प्रत्येक को 1-1 पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुंचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं, वे सामान मांग रहे हैं, शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वही आवाजें सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी के समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए।
उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी।